जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं MES, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में बताए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। वीडियो बनाने का मतलब यही है कि एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के विभिन्न फीचर्स लिखिए। ठीक है ना, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, 8051 जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम बनाकर समझाइए। 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसका पिन डायग्राम बना के आपको समझाना है सारे पिन्स के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर बनाकर समझाइए। ठीक है, 8051 में माइक्रो कंट्रोलर है, उसका आर्किटेक्चर आप बनाएंगे, उसके जो टर्म्स हैं उसको परिभाषित करना है, उसको समझाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को समझाइए, है ना। अब जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को समझाना है, किस प्रकार से मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के एड्रेसिंग मोड को समझाइए। जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कौन कौन से एड्रेसिंग मोड होते हैं, और एड्रेसिंग मोड एक्चुअली होता क्या है, और इसमें कितने टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं, सारे एड्रेसिंग मोड को आपको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरप्ट्स क्या होता है, 8051 में कितने इंटरप्ट्स होते हैं समझाइए। ठीक है, तो इंटरप्ट्स क्या होते हैं, और 8051 जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कितने इंटरप्ट्स होते हैं, इन इंटरप्ट्स के बारे में आपको लिखना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन, एम्बेडेड सिस्टम को विस्तार से समझाइए। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, इसको विस्तार से समझाना है, इसके बारे में आपको लिखना है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है, विस्तार से लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर को समझाइए, इसके करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एप्लीकेशन भी लिखिए। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर को समझाइए, इसके करेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पिक माइक्रो कंट्रोलर को विस्तार से समझाइए। ठीक है, PIC जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके बारे में आपको लिखना है, समझाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AVR माइक्रो कंट्रोलर को विस्तार से समझाइए। ठीक है, AVR माइक्रो कंट्रोलर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, जो भी चीज़ें आपको पता है, जो भी आपको नॉलेज में हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो LCD और LED में क्या अंतर होती हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटिंग डायोड, इन दोनों में क्या का अंतर होता है। ठीक है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, IoT के आर्किटेक्चर को समझाइए, साथ ही साथ फंक्शनल ब्लॉक और करेक्टरिस्टिक को भी लिखिए। ठीक है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग जो है उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, क्या होता है, और इसका फंक्शनल ब्लॉक कौन कौन सा होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर लिखिए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑफ सॉफ्टवेयर यूज इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन से बेसिक आपके सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, उनके बारे में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट
दे सकता है लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है सेंसर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले और रिले, इन तीनों पे आ सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है, जो आपका SFR है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में बताइए। जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो SFR है, जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर अपने एग्जाम में दे के आएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लिख के आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और फिगर बना के अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।